नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंक रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। मध्य प्रदेश में खपाने के लिए उत्तर प्रदेश से आ रही 10 ट्रक धान को कलेक्टर के निर्देश पर किया गया जब्त। रेस्टोरेंट के नाम से चल रहा था हुक्का बार। दिहाई ट्राइब में 3 विभागों ने दी संयुक्त दबिश, मामला हुआ दर्ज। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सुशासन दिवस पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। खबरें अब विस्तार से। कलेक्टर के निर्देशानुसार यूपी से रीवा लाई जा रही 10 ट्रकों में करीब 1 करोड़ कीमत की धान को नागरिक आपूर्ति निगम ने पकड़ा। जिले में किसानों के नाम से अलग अलग खरीदी केंद्रों में खपाई जाती है यूपी की धान। धान खपाने से पहले ही कलेक्टर ने कर दी बड़ी कार्यवाही। आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के मार्गदर्शन में जिले में धान के अवैध परिवहन हेतु मुहिम चलाकर सघन निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अवैध रूप से परिवहन कर रहे 10 ट्रक जब्त कर लिए गए। उल्लेखनीय है कि रायपुर करचुलियान क्षेत्र में नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक व तहसीलदार केडी सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से संदिग्ध 10 ट्रकों की जांच की गई। जांच के दौरान ट्रकों में लोड धान से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। समर्थन मूल्य पर उपार्जन केंद्रों में अवैध रूप से उत्तर प्रदेश की विभिन्न मंडियों से मध्य प्रदेश के किसानों के नाम पर अवैध बिक्री के लिए धान लाई जा रही थी। अवैध रूप से 6,792 बोरी में अनुमानित लगभग 2,716 क्विंटल वजन की धान, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए है, जब्त की गई है। साथ ही जब्त किए गए ट्रकों को पुलिस थाना रायपुर करचुलियान में खड़ा कराया गया है। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम ने बताया कि संबंधित ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक मालिकों के विरुद्ध FIR दर्ज कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तुत है इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं, ये लगातार है ना, ये सूचनाएं मिल रही है कि यूपी से MP में ना बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ना धान को ना भेजा जाता है। बिकॉज MSP रेट का ना डिफरेंस है यूपी और ना मध्य प्रदेश का, उसको है ना कुछ बिचौलियाँ है ना फ़ायदा उठा करके यहाँ आने का, इसका एक प्रॉपरली ना सूचनाएँ मिली हैं। हमारी ना नागरिक आपूर्ति निगम और हमारी रेवेन्यू का टीम है, उसको है ना इस ट्रक्स को है ना इंटरसेप्ट किया है। मतलब कल लेना 10 ट्रक को है ना जब्त किया है, उसमें 5 को तो बिल्कुल भी ना दस्तावेज ना नहीं मिली है और रिमेनिंग दस्तावेज को भी परीक्षण कर रहे हैं। उन सबके खिलाफ है ना सख्ती से है ना कार्रवाई करने के लिए FIR दर्ज करने के लिए भी मैंने निर्देश दिया है। ये कार्रवाई हम लोग लगातार कर रखे हैं। लास्ट है ना 1 वीक में ना, आई थिंक मुझे लग रहा है 12-13 ट्रक्स के खिलाफ है ना हम लोग ने कार्रवाई किए हैं। ये ट्रक्स ना सिर्फ रीवा है बट दूसरे ज़िले हैं, कटनी इवन सिवनी तक भी है ना जिलों में ना धान बेचने के लिए मतलब ले जा रहा था। कुछ लोगों का ना गोंदिया डिस्ट्रिक्ट का है ना उनका है ना बना हुआ था नागपुर ज़िले का, पर जनरली लगातार है ना हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी ना संपर्क में है। लगातार ऐसे ही ना रसीप्ट ना बनाए जाता है बट वहाँ ना जाकर डाइवर्ट होकर ना मध्य प्रदेश का है ना दूसरे ज़िले में ना धान बेचने का काम कर रहे हैं। बट हम लोग लगातार कहीं भी हम लोग सूचना मिली है वहाँ हम लोग ना चेक कर रहे हैं। चेक पोस्ट भी हम लोग ने एस्टैब्लिश किए स्पेशली त्योहतर जवा एरिया में ना इसमें, बट लगातार है ना उसको मॉनिटरिंग करना हमारे लिए भी एक चुनौती है। हमारी ना कितने भी रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग ना कॉल कर रहे हैं। रीवा के ना जागरूक लोग हैं, वो लगातार हमको है ना जानकारियाँ देते हैं, उसके आधार पर हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं। कहाँ से आ रही थी इतनी बड़ी मात्रा में? हाँ नहीं, इसको मतलब है ना जब एक्सीडेंटली हम लोग ने इसको रोका, चेक किया है हम लोगों ने, और लगातार ये निर्देश है ना हमारी पूरी रेवेन्यू का टीम और पुलिस का टीम को भी हम लोगों ने दिए हैं। एक जॉइंट मीटिंग भी बीच में चुनाव को लेकर आयोजित हुआ था, उस मीटिंग में भी ये भी डिस्कशन हुआ था कि रैंडमली हमारी ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ करके कितने भी ट्रक्स हैं उसको हम लोग लगातार है ना इस प्रकार का सरप्राइज चेक है ना किया जाए। सो आई थिंक जब है ना सरप्राइज चेकिंग के माध्यम से है ना ये जानकारियाँ है ना प्राप्त हुई है। हुक्का बार बंद, दिहाई ट्राइब में 3 विभागों की संयुक्त कार्यवाही। आबकारी राजस्व एवं पुलिस विभाग ने दी संयुक्त रूप से दबिश। आपको बता दें कि न्यायालय के समीप संचालित दिहाई ट्राइब रेस्टोरेंट में बीती रात पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि एक लंबे समय से यहां रेस्टोरेंट के नाम पर अवैध रूप से हुक्का बार चलाया जा रहा था। नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के नेतृत्व में 3 विभागों की संयुक्त टीम के द्वारा बीती रात दिहाई ट्राइब रेस्टोरेंट में दबिश दी गई, जहां से भारी मात्रा में हुक्का व अन्य अवैध सामग्रियां जब्त की गईं। महानगरों की तर्ज पर रीवा में भी कई हुक्का बार संचालित हो रहे हैं, जहां रईस जानों की अच्छी खासी भीड़ एकत्र हो रही है। संचालकों के द्वारा न तो किसी प्रकार से प्रशासन की
गाइडलाइन का पालन किया जाता है और ना ही लाइसेंस लिया जाता है। इसके बावजूद ये कारोबार जमकर फल फूल रहा है। ऐसे ही एक हुक्का बार में पुलिस प्रशासन और आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की है। दरअसल मामला है गायत्री मंदिर रोड में संचालित हुक्का बार का, जिसकी शिकायत मिली थी कि उसके द्वारा अवैध कारोबार किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस आबकारी और नायब तहसीलदार पहुंचे, जहां भगदड़ मच गई। मौके से पुलिस ने 15 हुक्के जब्त किए हैं। संचालक के खिलाफ निकोटिन एक्ट की धारा के तहत कार्यवाही की गई है। जानकारी मिली है कि शहर में इन दिनों कई होटल संचालक अपनी छतों पर हुक्का बार संचालित कर रहे हैं, जहां कई प्रकार की अवैध गतिविधियां संचालित होती है और मंचलों का जमकर जमावड़ा लगता है। अगर शहर में संचालित इस तरह के होटलों में पुलिस कार्यवाही करे तो कई संचालक पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में सिविल लाइन थाना प्रभारी अवनीश पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। ऐसी सूचनाएं मिली थी कि यहाँ पे अवैध रूप से धूम्रपान कराया जा रहा है। इसकी जानकारी पे आबकारी विभाग और राजस्व विभाग की टीम के साथ आए थे। कुछ ऐसे सामान मिले हैं जो धूम्रपान के लिए उपयोग करते हैं, जिनको जब्त करके कार्रवाई की जा रही है। क्या चीजें मिली सर यहाँ, क्या शिकायत मिली? हुक्का पीने की शिकायतें मिली थी, तो वो किसी भी तरह का हुक्का परमिटेड नहीं है। उसके लिए लाइसेंस हो, इनके द्वारा किसी प्रकार कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसकी कार्रवाई की जाएगी। और ये क्या बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल चीज़ है, उनकी लत लग जाती है और वो उनको नुकसान करता है। तो वरिष्ठ अधिकारियों और जो अपने जनप्रतिनिधि हैं, सभी की तरफ से ये चीज़ें रोक लगने के लिए निर्देशित किया गया है, उसी के तहत में कार्रवाई की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन। एससी एसटी ओबीसी एवं अल्पसंख्यक के संयुक्त मोर्चे ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण का मुद्दा दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि ओबीसी महासभा संयुक्त मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले ओबीसी आरक्षण लागू हो, अन्यथा चुनाव रद्द किया जाए। प्रदर्शन के दौरान संयुक्त मोर्चा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि ओबीसी के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महाराष्ट्र के प्रकरण का हवाला देकर मध्य प्रदेश के स्थानीय निकायों के निर्वाचन में ओबीसी का आरक्षण समाप्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है, लेकिन इसके संबंध में कोई याचिका नहीं लगाई गई थी। ओबीसी संयुक्त मोर्चा के द्वारा चेतावनी दी गई है कि पहले आरक्षण लागू किया जाए, इसके बाद ही चुनाव करा जाए, अन्यथा आंदोलन बृहद रूप से किया जाएगा। आज देश में 50% से अधिक ओबीसी निवास करते हैं, बावजूद इसके मोदी सरकार ओबीसी के अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रही है। संयुक्त मोर्चा ने रैली निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिस पर अतिशीघ्र कार्यवाही करने की भी मांग की गई है। आइए सुनते हैं ओबीसी नेता कुंवर सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। संगठन वाले को जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनावों में सरकार की उदासीनता से ओबीसी के वर्ग को चुनाव से वंचित किया जाने का षड्यंत्र बीजेपी और आरएसएस के लोगों द्वारा किया जा रहा, उसी के तहत आंकड़े प्रस्तुत नहीं करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की, आदेश दिया, लेकिन सरकार की उदासीनता ने सरकार के आंकड़े पेश नहीं करने के कारण और सरकार की मंशा के अनुसार ओबीसी आरक्षण को समाप्त किया गया है। आपने देखा है जिस प्रकार से शिवराज सिंह ने विधानसभा में कहा कि बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत के चुनाव नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह आदेश जारी किया कि जो ओबीसी की सीटें हैं उन्हें जनरल घोषित करके और चुनाव कराया जाए। मेरा सीधा सा कहना है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। अब समर होगा। सरकार और विपक्ष दोनों एक थी। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा आप सर्वोच्च न्यायालय में जाइए, हम आपके साथ हैं, ओबीसी के लोगों का ओबीसी के
की भागीदारी में कमी ना हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी साथ में। लेकिन शिवराज सरकार द्वारा ना कोई ऑडियंस लाया गया, ना सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक किसी प्रकार की कोई अर्जी दी गई। हम लोग इसके विरोध में आए हैं कि बिना ओबीसी के पंचायत में चुनाव संभव नहीं है। भाजपा और शिवराज सिंह के मुंह से जो निकलता है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने किसान बिल लाकर किसानों की रीढ़ की हड्डी में पटका था, एक साल के विरोध के बाद क्षमा याचना करके उन्होंने किसान बिल को वापस लिया था। हम आंदोलन जारी किए हुए और हम आपके माध्यम से देश को प्रदेश को भी ये बताना चाहते हैं कि ओबीसी महासभा का आंदोलन जब तक ओबीसी के वर्गों को आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। जूनियर डॉक्टरों ने वृक्षारोपण करके सरकार को दिया नवजीवन संदेश। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का मरीजों पर काफी असर पड़ रहा है, जिसके चलते इलाज के लिए भटक रहे हैं मरीज। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती अनवरत जारी रहेगी हड़ताल। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर बीते 3 दिन से निरंतर हड़ताल पर है, जिसका सीधा असर मरीजों के स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगा है। आज हड़तालरत जूनियर डॉक्टरों के द्वारा अस्पताल परिसर में वृक्षारोपण कर सरकार को नवजीवन का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर 8 दिसंबर को जूनियर डॉक्टरों के द्वारा आंशिक रूप से हड़ताल की गई थी, जहां आश्वासन के बाद चिकित्सक अपने काम पर चले गए थे। सरकार के द्वारा जब उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो पूरे मध्य प्रदेश के जूनियर चिकित्सकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपना लिया। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि अस्पताल में 33% वो काम कर रहे हैं। इधर शासन स्तर पर किसी प्रकार की कोई भर्ती भी नहीं की जा रही है, जबकि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। ऐसे में 33% क्षमता के साथ जूनियर डॉक्टर किस तरह से कार्य कर पाएंगे। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि एक ही देश में सरकार 2 कानून चला रही है। जिस तरह से गुजरात एवं राजस्थान में पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं की जा रही है। प्रस्तुत है जूनियर डॉक्टरों से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसे कि हमारी स्ट्राइक चल रही है, कंटिन्यू 3rd डे आज, हमने सरकार से मांगे रखी थी कि हमको नए डॉक्टर्स चाहिए, तो उसी के सिलसिले में जारी रखने के लिए हमने आज वृक्षारोपण का काम रखा है, जैसे कि नवजीवन को जगाता है। और इसके आगे का आपको ये बताएंगे। पिछले 5 दिनों में जो कोरोना है, कोरोना के केसेस हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डबल हो चुके हैं, तो आगे आने की स्थिति कितनी भयावह है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। वृक्ष एक तरीके से संकेत होता है नई उम्मीद का। हमने वृक्षारोपण इसलिए किया है ताकि हम एक उम्मीद के साथ कह सकें अपने सरकार को और हमारी वो, ताकि वो हमारी विनती को माने कि हमें जल्द से जल्द या तो नॉन अकेडमिक JR की यहाँ पे पदोस्थिति करें या फिर हमें काउंसलिंग में वो मदद करें कि वो जल्दी हो, तो यही हमारा उद्देश्य है। अभी तक शासन स्तर से कोई बात बनी आप लोगों की? अभी जैसे बात चल रही है शासन स्तर पर भी, तो आगे बात थोड़ी बड़ी है। हमें उम्मीद है कि आज तक शाम तक थोड़ा कुछ संदेश आएगा कि इस मामले में कुछ बात हो और बात आगे बढ़े। आपको इस स्ट्राइक से लोगों को, जो मरीजों को, उनको भी नुकसान हो रहा, क्या सरकार इसके लिए कुछ सोच रही है या आप लोग सोच? देखिए, मरीजों को जूनियर डॉक्टर्स नहीं जा रहे, लेकिन जो SR है और कंसल्टेंट हैं वो लोग थोड़ा काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हम जायज़ है कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो उस कारण से सरकार पे थोड़ा असर पड़ेगा। हम ये चाहते कि हम भी नहीं बहुत दिनों तक इस चीज़ को कंटिन्यू करें, तो जल्द से जल्द हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं, जो कि पूरी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं है, तो उसका पूरा किया जाए। और ताकि ये हम अस्पताल की व्यवस्थाओं को अभी तक झूठा डॉक्टर ही संभालते आए हैं, ये किसी छिपा नहीं है। हाँ। जब आप लोगों के अलग हो जाने के बाद क्या स्थिति होगी, ये इससे आप लोग, क्या सरकार जानती है इस बात? सरकार इस बात से अवगत है कि स्ट्राइक चल रही है, तो इसीलिए और प्रयास भी कर रही है कि चीज़ें आगे पूरी हों, कोशिश जारी है। तो हमारा भी यही विनती है कि जल्द से जल्द सरकार इस चीज़ को और गंभीरता से ले, ताकि ये हमें और ज़्यादा दिन कंटिन्यू ना रखना पड़े। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला रीवा द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती, जिसे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी परिप्रेक्ष्य में मोर्चा द्वारा आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री की जन्म जयंती मनाने तथा विश्व को भारतीय सनातन परंपरा से परिचित करवाने वाले युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जिसे युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है, इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें
युवा मोर्चा द्वारा उन दोनों तिथियों को पार्टी और युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। इस दौरान बताया गया कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार एवं जिलाध्यक्ष विकास मिश्रा के नेतृत्व में 25 दिसंबर को सेमिनार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। आइए सुनते हैं वार्ता के अंश। भारतीय जनता युवा मोर्चा केंद्र की योजना से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है संपूर्ण भारत में, इसी निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश की तरफ से भी संभाग स्तर पर 25 तारीख को युवा सम्मेलन के माध्यम से, युवा सेमिनार के माध्यम से कार्यक्रमों की रचना की गई है, जिसके निमित्त रीवा संभाग, सागर संभाग, मध्य प्रदेश के समस्त संभाग केंद्रों पर और महानगर केंद्रों पर इस प्रकार के सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। और सेमिनारों का उद्देश्य यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को युवाओं के बीच में जाएं। उन्होंने अपने जीवन काल में जब प्रधानमंत्री वो रहे उस समय उन्होंने किस प्रकार की योजनाओं का आयोजन किया था, उन किस प्रकार की योजनाओं को नीचे तक लाभ मिले, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना हो, ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं उनके कार्यकाल में जो लागू हुई, जो देश के आम जनमानस के जीवन को बदला है, इसी को प्रेरणा बनाते हुए युवाओं में एक जनजागरण का वातावरण बने, इसके तहत यह कार्यक्रम का आयोजन 25 तारीख को रीवा संभाग में होने जा रहा है। युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम के निमित्त एक 500 की संख्या का बड़ा सेमिनार, जो 3 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें अलग अलग विषय उद्घाटन सत्र रहेगा, फिर कृषि कार्य को लेकर के कृषि की योजनाएं किस प्रकार से उन्होंने क्रियान्वित की थी उस समय, उस योजनाओं के ऊपर, और समापन सत्र, ऐसा करके 3 कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम में युवाओं को अधिकतर जोड़ने के लिए ऐसे क्रिएटिव युवा जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अलग काम करते हैं, कृषि के क्षेत्र में अनोखा कार्य करते हैं, ऐसे अलग अलग प्रतिभा के ऐसे नौजवानों को उस कार्यक्रम में समाहित करने का एक आयोजन रीवा संभाग में होने वाला है। इसी निमित्त यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।